आप सीट होल्ड कर लेना एक बार, 100 पे है। क्या घबरा रहे हो यार? सो गाइस फाइनली वैगनआर 2022, इसमें 1.2 लीटर का इंजन है और 83 BHP, 130 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और पेट्रोल प्लस CNG दोनों में आती है। ये ZXI प्लस वेरिएंट है गाड़ी का, जो कि ड्यूल टोन में है। थोड़ा सा मैं साइड से दिखा देता हूँ, ये थोड़ा जो मैं अपना नाम बता देता हूँ, मरून प्लस ब्लैक का ये ड्यूल टोन कलर है। और ग्राउंड क्लियरेंस जो कि गाड़ी में है दैट इज़ 163 mm। ठीक है, टायर सेक्शन में गाड़ी में दिखा देता हूँ। फिलहाल इसमें टायर है MRF के और टायर सेक्शन है इसमें 165/70 R14, वो जो मुझे क्लियर नहीं था। ठीक है, R14 के बूट स्पेस बता देता हूँ। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वैगनआर के बारे में, इसका बूट स्पेस पता है ब्रेजर से भी ज़्यादा है। भले ये लेंथ ज़्यादा नहीं है, ओवरऑल अगर बात करेंगे तो इट्स 341 liters, जो कि ब्रेजर से भी ज़्यादा है, विच कम्स विद 326 or 8 liters। ठीक है, काफ़ी सटल वे में बंद हो गया, ब्रेजर से भी अच्छा आराम से बंद हो गया, ये टूटा हुआ चलो छोड़ो। और इसमें जो फ्यूल टैंक है दैट इज़ 32 liters। ठीक है, चलो पीछे स्पेस दिखा देता हूँ। देखो फ्रंट सीट मेरा अकॉर्डिंग ऑलरेडी एडजस्टेड है, एंड टू माय सरप्राइज इसमें लेग स्पेस काफ़ी आता है, और ये जो एरिया ना पैर रखने का इसमें काफ़ी ज़्यादा है। चलो बाकी गाड़ी के बारे में अपना बिल्कुल बेसिक है, नॉर्मल ये आते हैं। और गाड़ी जैसे अगर मैंने प्राइस नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, 7.25x शोरूम एंड 8.5 और 6 ऑन रोड। एक चीज़ बहुत अच्छी है, पैनल ना बहुत बड़ा है, देखो इसका डोर पैनल कितना बड़ा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, तो जैसे जो काफ़ी लोग लंबे होते हैं उनके लिए काफ़ी सही है। ABC पैडल इसके बहुत सही हैं, गैप है बीच में काफ़ी, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा क्लच और ब्रेक के बीच में। चलो एक्सटीरियर का देख लिया, अब इंटीरियर का शुरू करते हैं, एंड जो भी बेसिक चीज़ें थी बता दिया। बेसिकली स्टार्ट होगा ड्राइविंग रिव्यू गाड़ी का, स्टार्ट। AC में भी परफॉर्मेंस इसका पता लग जाए। देखो AC वेंट्स का ऐसा है, एकदम फ्रंट में नहीं है, जैसे टच स्क्रीन है, 7 inches की इंफोटेनमेंट है, तो ये वाले जो है ना बीच वाले इसके AC वेंट्स, ये थोड़ा साइड में है, तो स्टेयरिंग व्हील थोड़ा सा बीच में है, तो फ्लो ना ये एकदम चेहरे पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, गाड़ी में एक चीज़ बहुत अच्छी है, दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव, जब मैं बैठा ना इसमें पहली बार, कि भाई विंडशील्ड बहुत चौड़ी है। आप सीट बेल्ट लगा लेना एक बार, विंडशील्ड गाड़ी की बहुत वाइड है, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड। मैं ब्रेजा चलाता हूँ, ब्रेजा से भी बहुत ज़्यादा वाइड ये जो एरिया ना इसकी जो इसकी हाइट है विंडशील्ड की, ये बहुत ज़्यादा है एकदम। अगर मैं सामने एक बार गाड़ी में देख रहा हूँ तो मुझे इसका ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी छत जो है, इसका जो सनवाइजर है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी चौड़ी इसकी विंडशील्ड है। और बाकी जो इसके ABC पैडल्स, इसका डेड पैडल उतना हाइट पे नहीं है लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, जैसे काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ शूटर्स SUVs हैं उनमें भी डेड पैडल इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना इसमें है। और अभी इसके मार्च के सेल्स आउट हुए थे तो आई थिंक ये नंबर 1 पे थी, कुछ 22-30 हज़ार सेल्स थी वैगनआर की, तो ये अभी नंबर 1 पे आई थी। और ये ZXI प्लस वेरियंट है, जैसे मैंने बता दिया था, ड्यूल टोन। और एक्स शोरूम की अगर बात करें, फिलहाल भिवानी में हूँ, तो इट कॉस्ट यू अराउंड 7.25 lakhs, एंड ऑन रोड इट गोज अराउंड 8.5 और 6, इतना कुछ जाता है। देखो छोटी गाड़ी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं, एंट्री लेवल गाड़ी है लेकिन इससे ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि फीचर्स में बहुत ज़्यादा वो कटौती की गई है। इसके राइड क्वालिटी अच्छी है बाय द वे, जैसे अभी गाड़ी ने थोड़ा सा जंप किया, करवाता नहीं वैसे वो गलती से होगी, तो अभी 5th gear में कितने पे उठ गई है, 45 में, एंड AC भी चल रही है, इसका फैन स्पीड अभी 2 पे है। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस देखो ऐसे है, सबसे पहले मैं बात करूंगा NVH लेवल की, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व करे हैं, बिल्कुल हल्की सी रोड नॉइज है लेकिन विंड नॉइज नहीं है, ना ही इंजन साउंड है। 1.2 लीटर का इंजन है, 1197 cc टू बी वेरी प्रिसाइज्ड। अब थोड़ा सा हाईवे पे लेके बताता हूँ मैं इसकी एक एक चीज़ें डिटेल में। इसके ORVM बहुत अच्छे हैं, जैसे अभी एडजस्ट भी करूँगा ना तो काफ़ी क्विक है, काफ़ी क्विक है। और 165/70 R14 इंच सेक्शन की इसमें टायर है। बस वाइपर दिखेंगे, विंडशील्ड बड़ी होने का एक ये कि आपको वाइपर 24 घंटे इसमें दिखेंगे जब भी ड्राइव करोगे। इसका म्यूजिक ऑफ, नो क्रूज कंट्रोल ऑब्वियसली, और गियर इसका थोड़ा सा आगे है, इसमें आर्मरेस्ट नहीं आता, हैंड ब्रेक काफ़ी सही है, स्मूथ है, सीट बेल्ट इसकी काफ़ी स्मूथ है, जैसे काफ़ी लाइट है तो थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता।
अगर ज्यादा नहीं कहूँ ना तो कुछ कुछ जो अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवीज है ना उससे स्पेसियस इंटीरियर इस गाड़ी का मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत टाइम बाद मैंने वैगनआर चलाई है और सीटिंग कंफर्ट जैसे एज ए ड्राइवर फील्स की कंफर्ट कितना है, साइड सपोर्ट अच्छी है, थाई सपोर्ट भी काफी अच्छी है। यूटर्न ठीक है, अच्छा ब्रेक टेस्ट करें एक बार, कितने पर करूँ बताओ? ना कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं थोड़ा फ्लैट देख रहा हूँ, उसके बाद यू टर्न आएगा उस मोड के बाद है ना, मैं एक बार सेट कर लेता हूँ पीछे देखने के लिए। ओ आर वी एम इसमें मैनुअली आता है, चलो अगला ले लेंगे, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे ठीक ना है, यू टर्न यहीं से। चलो इसमें एक बार बस इसका ब्रेक टेस्ट कर लेता हूँ, वैग टर्न आ गया, रुको मोड पर नहीं करूँगा, बस ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, चल रहे हैं पीछे बैठ के, अभी मैं दिखा दूंगा एक बार। बहुत अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, चलो यहाँ करेंगे स्ट्रेच थोड़ा सा, आप सीट होल्ड कर लेना एक बार, 100 पे है क्या घबरा रहे हो क्या? चलो 100 पे है, वैगनआर 2022 एट 100 नहीं कर सकते इसके, क्योंकि जैसे ABS आता है इसमें, लेकिन फिर भी गाड़ी ना स्किड कर रही है, जैसे राइट में चलेगी। हाँ मैं सोच यहाँ से ले लूँगा, यहाँ से ले लो ठीक है। तो इसके ब्रेक नहीं मार सकता मैं, जैसे मैंने हल्का सा ब्रेक प्रेस करा ना तो जैसे आउट ऑफ कंट्रोल गई गाड़ी। और इसे ऐसे मत समझना कि स्टेयरिंग मेरे कंट्रोल में नहीं है या चलानी नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टायर ने इतना रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, ब्रेक इतने अच्छे थे नहीं, तो मैंने ज़्यादा फिर हार्ड प्रेसिंग करी नहीं, बिल्कुल चुपचाप थोड़ा सा राइट में खींच के गाड़ी, तो मैंने ब्रेक लीवर छोड़ दिया, तो इस पर ज़्यादा हम कर नहीं सकते। देखिए टायर स्किड होने का एक कारण ये हो सकता था कि ये जितने भी डेमो व्हीकल्स या टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स होते हैं इनमें टायर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, 40-45 के आसपास, जिससे गाड़ी थोड़ी ऊँची दिखाई दे, तो हाई टायर प्रेशर एक कारण हो सकता है कि गाड़ी स्किड कर गई। एक्सीलेटर बहुत सॉफ्ट है, क्लच भी एकदम सॉफ्ट है, और ब्रेक का तो चलो मैंने बता दिया। बाइट देखो, अगर इतना हल्का मारते हो ना जैसे कम स्पीड के ऊपर तो बाइट है, लेकिन हार्ड ब्रेकिंग नहीं कर सकते वैगनआर पे, मतलब करना तो अपने रिस्क पे करना, जो मेरा था मैंने बता दिया करके कि नहीं इस पे तो मैं हार्ड ब्रेकिंग का नहीं सोच सकता वैगनआर पे। मुझे पहले से थोड़ा डाउट था क्योंकि थोड़ी सी गाड़ी ऊँची है तो बैलेंस ख़राब हो सकता है, बाकी AC ठीक है। इसमें भी आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है बाय द वे, अगर थोड़ी देर न्यूट्रल में अगर गाड़ी खड़ी रहेगी आइडियल पोजीशन पे तो बंद हो जाएगी, एंड द मोमेंट यू हिट द गैस पेडल इट विल स्टार्ट। अब NVH की बात करते हैं, थोड़ी सी विंड नॉइज ना अब आनी शुरू हो गई है, अब जैसे 100 क्रॉस करी है काफ़ी जल्दी क्रॉस कर जाती है, आपको पता नहीं लगने देती 1.2 लीटर, जैसे काफ़ी बाकी गाड़ियों के 1.2 लीटर इंजन बहुत लैगी हैं, बहुत लेथार्जिक है, इसका नहीं है। अब हल्का सा विंड नॉइज, हल्का रोड नॉइज अब नहीं सुनाई दे रही क्योंकि विंड नॉइज ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना, बंद है चारों बंद, ऑल फोर पावर विंडोज, तो मेरे ख्याल से जो 6 फीट से ज़्यादा हाइट के होते हैं 6'2", 6'3", 6'4 उनके लिए काफ़ी सही है क्योंकि हेडरूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सही है, बहुत सही है। चलो वीडियो वाइंड अप करते हैं, मैं आपको इन नॉट्सल इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव बता देता हूँ। सबसे बड़ा पॉजिटिव है गाड़ी की विजिबिलिटी, ओवरऑल विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, और सेकंड बहुत स्मूथ है, जैसे मैंने बताया इसके क्लच एक्सेलरेटर ब्रेक पैडल सब बहुत सही है, कोई आवाज़ नहीं है, गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है, इनफैक्ट मैं बताना भूल गया, बहुत स्मूथ है, स्लॉटिंग इसकी बहुत अच्छी है, तो कोई तो वो फैक्ट है, कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से वैगनआर इज स्टिल ऑन द टॉप, और टूर सेगमेंट लगा लो, मान लो जो भी कैब वैब में चलते सबसे ज़्यादा वैगनआर ही चलती है, और रीज़न है इसका स्पेस, और इसकी माइलेज, माइलेज मुझे फिगर से याद नहीं, आपको पता है माइलेज कितना क्लेम करती है सिर्फ पेट्रोल? CNG में 30 प्लस है, अगर पेट्रोल में 22 है। अच्छा CNG में 30 प्लस है जी, पेट्रोल में 22 प्लस है, किसी भी तरीके से ट्रैफिक में कैसे भी चलाओ। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं, बता देना जो भी वैगनआर ओनर्स है मुझे बता देना और योर व्यूज ऑन दिस वीडियो, कि जैसे आप चला रहे हो तो जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बताए वो कैसे थे, नेगेटिव में बताना भूल गए, इसके ब्रेक्स पसंद नहीं आए थोड़ा सा, बाकी ज़्यादा हम कंप्लेन कर नहीं सकते क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट में गाड़ी आती है जो चीज़ें ये ऑफर करती है शायद एक दो चीज़ें हम नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं। सो बता देना वीडियो कैसी लगी, थैंक यू सो मच।